एवरी वन गुड आफ्टरनून तो जी आज है संडे और मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर को नहाने के बाद ही क्योंकि संडे वाला दिन ना काफ़ी बिजी हो जाते हैं काम बहुत रहते हैं और अब तक ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था अब बनाने का भी टाइम नहीं था तो फिर सोचा कि चलो दोपहर से ही शुरू करेंगे और मयंक और मयंक के पापा जो वो गए हैं श्याम पापा जी के जैसे कि आजकल के दिनों में जाते हैं ना यही है पास में ही है ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन हाँ मतलब इतनी दूर है कि बाइक या गाड़ी में लगता होगा एक या डेढ़ घंटा लगता होगा मैं भी तो आरू बोल रहा था कि मुझे खाना नहीं खाना है सुबह खा लिया था खाना हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने और आरू ने ही मैं उनको भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा के जबरदस्ती मैंने उसको ब्रेकफास्ट करवा के भेजा था नहीं तो वो भूखा ही जा रहा था और मैं के पापा जी बोलते तो निकल गए थे सुबह सुबह ही सात बजे के करीब और साथ साढ़े छः और मैं गया था दोपहर को साढ़े दस ग्यारह बजे तो बस फिर रह तब तक, तक मैंने उसका ब्रेकफास्ट बना दिया उसको खिला के भेज दिया और फिर अब दोपहर का टाइम है मैंने बोला आरोप चलो खाना बनाते कुछ खाते अच्छा सा बना के लेकिन नहीं उसने बोला कि मुझे खाने गोलगप्पे तो बाहर के गोलगप्पे तो मैं नहीं दूंगी इसको लेकिन ये यही दुकान से लेके आई हूँ तो ये देखिए ये वाले तीन पानी है इसमें पानी के जो पाउडर होते हैं ना वो इमली पुदीने वाले तीन कौन कौन से है देखूंगी खोल के तो बस फिर मैं यही ले आई हूँ और सोचा तो कि चलो है तो ये भी बाहर की चीज़ लेकिन ये रहेगा कि चलो अच्छे तेल में मैं इनको अच्छे से तल के फिर दे, दे दूंगी इसको अपने हिसाब से साफ़ सुथरा तो होगा चलो इतना तो होगा कि चलो साफ सफाई से मैं दे बना के दे दूंगी और कितने दो दिन ये खाएगा तो दोपहर का तो खाना कैंसिल कर दिया है और साथ में लेके आई हूँ ये वाली जो रोटी होती है ना डबल रोटी जो होती है ना ये वाली मोटी वाली ये इसको बहुत पसंद है तो ये दे दूँगी इसको बाद में मैं दूध के साथ तो चलिए मैं बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे तो ये जो डब्बा था ना जिसमें मतलब ये गोलगप्पे और ये जो पाउच वगैरह थे पानी वगैरह के इसके जो पाउडर था पानी में मिलाने वाला उसके तो उसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत ही हैं लेकिन शायद ना इसमें पता नहीं फिफ्टी पीस थे शायद मैंने काउंट तो नहीं किए लेकिन द... दस बार तो मैंने निकाल लिए थे ना तो उसके बाद भी काफ़ी सारे बचके थे और फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा ही इसका पाउडर लिया था मतलब पानी में मिलाने के लिए क्यों सारे अगर मैं अभी तल लेती तो तब तो फिर सारा ये लग जाता पाउडर लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा लिया है दस बारह गोलगप्पों के हिसाब से ही तो काफ़ी अच्छा सही था मतलब दुकान जैसे जो दुकान में पानी बनता है ना गोलगप्पे वाला वैसा ही था ये भी काफ़ी टेस्टी था बस ये था कि मेरे पास यहाँ पे उबले हुए आलू नहीं थे इसमें डालने के लिए तो हमने तो वैसे काम चला लिया था और एक साइड कढ़ाई में तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था तेल भी गर्म हो गया था तो साथ के साथ मैंने गोलगप्पे निकाल लिए और फिर उसके बाद बनाया था मैंने इनका पानी तो बच्चों ने बड़े आराम से खाए हैं ये बड़े मतलब स्वाद से खाए हैं आरों ने भी और उसके दोस्त ने भी बस ये थे कि ये बड़े बड़े थे ना तो मतलब उनके मुंह में तो मतलब ही नहीं बनता कि आ जाएं लेकिन ये तोड़ तोड़ के उन्होंने खाए हैं और बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छे हैं दुकान के गोलगप्पों से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मुझे भी अच्छे लगे पर ये कि दुकान वालों की तो बातें अलग होती है बच्चे हैं बच्चों को तो कुछ भी दे दो अच्छा ही लगता है तो ये आज दोपहर का लंच हो गया था हमारा क्योंकि दोपहर के में ना मैं खाना बनाने वाली थी एक्चुअली मैंने पालक लिया था और पनीर मैं पालक पनीर बनाने वाली थी तो वो पालक पनीर ना मैं रात को बनाऊंगी क्योंकि मैंने भी आरू की बात इसलिए मान ली ना कि उसको खाना नहीं खाना है कुछ और खाना है मुझे गोलगप्फे खाना है ये खाना है वो खाना क्योंकि ये था कि दोपहर को मैं और आरू ही थे घर में तो फिर मेरा भी मतलब तो इतना मन जब अकेले से होते हैं ना घर में तो फिर स्पेशली अपने लिए बनाने का कुछ मन भी नहीं करता है और सोचते हैं कि चलो ऐसे वैसे कैसे ना कैसे निपट जाए तो सही है तो वह सारों ने जब से मेरे दिमाग में डाल दिया ना कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं तब से बस मेरे दिमाग में भी गोलगप्पे घूम रहे थे और वैसे मैं जाने वाली नहीं थी दुकान क्योंकि तो मैं बहुत कम जाती हूँ दुकान में ज़्यादा मैं उनको ही भेजती हूँ और मैं तो मतलब मतलब ही नहीं बनता कि चली जाऊँ कभी जाके अगर मुझे जाना ही पड़ जाए मैं घर में नहीं है या इसके पापा कहीं गए हुए हैं जब भी मैं जाती हूँ तो तो हज़ारों ने जिद की ना इसलिए मैं चली गई थी और सोचा भी कि चलो हम दोनों ही हैं कुछ ना कुछ वैसे खा लेते हैं ऐसे में हो जाएगा हमारा और गोलगप्पे खाने के बाद फिर डेढ़ दो घंटे के बाद मैंने इसको कि जो मैं रोटी लेके आई थी ना डबल रोटी ये दे दी थी मैंने इसको दूध के साथ तो वो भी बड़े चाव से खाता है वो तो बस उसने वो खा ली थी और मैंने तो गोलगप्पे खाए थे और मेरा क्या ना कि मैं मतलब नहाने के बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैंने अभी ज़्यादा टाइम पहले मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था थोड़ा ही टाइम हुआ था मेरे को ब्रेकफास्ट किए हुए तो इतनी भूख भी नहीं थी तो अब गोलगप्पे तो हो गए हैं रेडी अब मैं सोच रही थी कि क्यों उनको सोफ़े पे बिठा के खिलाऊं क्योंकि बच्चे हैं और गिरा देंगे तो वैसे मेरे को ही करनी पड़ेगी सफ़ाई इसलिए मैंने यहीं पर ही नीचे इनको बिठा लिया तो मैं बड़े मज़े से खा रहे थे दोनों बच्चे और मैं भी इनके साथ साथ मतलब काफ़ी सारी गप्पे मार रहे थे और मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे खाते खाते कि मतलब ये जो इसका दोस्त है ना ये भी काफ़ी हंसाता है बीच बीच में ऐसी बात बोल देता है कि बड़ी हँसी आती है तो बस हो गया है तो दोपहर का जो भी काम था वो अब ये बर्तन तो मैं रख दूँगी ऐसे ही दो तो चारे बर्तन है इनको मैं बाद में ही धोऊंगी और अभी बस मेरे को भी थोड़ी देर सोना था और इसके क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा आरू के ट्यूशन जाने का तीन बजे तो उसको भी छोड़ के आना है और देखिए मैं इतने किचन के थोड़े बहुत काम कर रही थी अपने साफ़ सफाई के जो भी और आरू लग गया था बिना बोले मेरी हेल्प करने क्योंकि उसको पता था कि ये जो कारपेट पीछे आया ना इसको उठाना भी है मम्मी ने तो क्यों ना मैं ही उठा दूँ और तो जी अब मैं आपसे बुरी हूँ शाम को ही और टाइम हो रहा है साढ़े छः और मैं आ रही हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए डिनर में बन रहा है पालक पनीर तो पनीर तो मैं सुबह लेके आई थी और ये पालक थोड़ा सा मेरे मेरे पास ना पहले का भी पड़ा था और थोड़ा सा अभी मैं लेके आई हूँ पालक तो बस इसको मैं साफ़ कर लूँगी और फिर दोगुँगी ये जो गोल गप्पे वगैरह हमने खाए थे दोपहर को वो वाले बर्तन पड़े इनको दूंगी ये धुले हुए बर्तन है इनको रखूँगी ऊपर अरेंज करके अच्छे से और मैं को ना हमें का गया था साढ़े पाँच बजे आया है मैं जहाँ श्याम बाबा किया गया था ना वहाँ से तो उसको आते के साथ ही मैंने भेज दी ट्यूशन क्योंकि कल है उसका मैथ्स का पेपर और उसकी ना मैंने मैथ्स की ट्यूशन लगा रखी है बाकी सब तको घर से कर लेता है अपने आप ही तो उसको आते के साथ ही मैंने ना ट्यूशन भेज दी क्योंकि ट्यूशन वाले टीचर का भी फ़ोन आ गया था कि ऐसे ऐसे मैथ का पेपर और आपने भेजा नहीं तो फिर मैंने भेज दिया है उसको और बस आता ही होगा वो भी क्योंकि छः बजे तक ही ट्यूशन का टाइम है तो ट्यूशन टीचर अच्छी है उसकी काफ़ी पढ़ा देगी थोड़ी देर एक्स्ट्रा और फिर मैं भी आ जाएगा और शाम मतलब तो साढ़े आठ या नौ बजे तक ही जो है वो हस्बैंड पहुँचेंगे क्योंकि वो पैदल गए हैं आना तो उन्होंने पैदल नहीं है लेकिन गए वो पैदल ही है तो काफ़ी टाइम जो है उनको जाने में लगता है सुबह साढ़े छः बजे के वो निकले हैं और अभी भी मैंने फ़ोन करके पूछा था वो अभी पहुंचे नहीं है वहाँ पे मंदिर में अभी बस पहुँच नहीं पा हैं एक डेढ़ किलोमीटर दूर थे वो मंदिर से तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपसे मैं तो उसी पालक को मैं कर लूँगी साफ़ और थोड़ा सा जो फ्रिज में पड़ा है ना वो भी ले लेती हूँ पालक को ना मैं अंदर बैठ के साफ कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा पालक है तो साफ़ करने में टाइम लगेगा तो फिर यहाँ पे खड़े हो के कि ना मैं थक जाऊँगी इसलिए सोच रही कि चलो अंदर ही कर लेती हूँ साफ़ आरो भी बैठा है टी वाले रूम में

ऐसे ही रहना चाहिए ज़्यादा गर्मियों में तो मैं बिल्कुल परेशान हो जाती तो ये मैं लेके जा रही हूँ जिस उसको मैंने इसको मैं लगा दूँगी वहाँ पर जो चायपोट है मेरे को लगाने का इसको वहाँ पर लगा दूँगी और फिर कमी आम ताकत रहेगी और मैं भी। तो चलिए मैं कर लेती पालक की सफाई अच्छे से और फिर मिलती आपसे तो ना अभी काफ़ी टाइम था मतलब अभी धूप भी आ रही थी बाहर थोड़ी थोड़ी अब तो वैसे भी लेट तक धूप आती है तो बस आज मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी मतलब पहले ही लगी लग हूँ शाम को काम करने के लिए जो भी मेरे डिनर की काम है तो सोचा चलो पहले जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँगी ना तो भी अच्छा है लेकिन इस पालक को साफ करते करते ना बड़ा टाइम लग गया था और आ, जब मैं साफ़ कर रही थी ना तो इतना ज़्यादा मुझे ये पालक लग रहा था लेकिन जब मैंने बनाया ना इसको मतलब जब इसको उबाला था ना मैंने तो वो बिल्कुल थोड़ा सा ये पालक रह गया था और मैं सोच रही थी कि कहाँ गया सारा पालक मतलब इतना सारा तो मैंने साफ़ किया इतना टाइम लगा के और उबालने के बाद तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा था बस दो कटोरी ही निकली थी इसकी दो कटोरी भी मुश्किल से ही निकली थी तो चलो जो भी था वो मैंने बना लिया फिर और यही तो होता है ना साग वगैरह ना खाने में जितना अच्छा लगता है ना उतना उसको मतलब मेहनत से बनाना भी पड़ता है पहले साफ़ करो और फिर धो फिर काटो फिर बनाओ मतलब काफ़ी टाइम लगता है और इससे गंदगी भी काफ़ी फैल जाती है उसको भी फिर साफ़ करो बाद में तो ये रहता है कि जितनी इसमें मेहनत लगती है ना तो जितना ये होता है उससे आधा भी नहीं रहता है फिर बढ़ने के बाद तो बहुत कम हो जाता है ये और आ, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जितनी मेहनत हमारी लगती है ना उतना फ़ायदा होता नहीं है हाँ बनता तो टेस्टी है बनती तो साग वगैरह जो भी हम बना लेते हैं वो टेस्टी ही बनता है लेकिन भाई अगर चार किलो ले रहा तो कहीं जा कर डेढ़ किलो बचता है क्योंकि ये होता है कि एक से डेढ़ किलो तो उसमें कूड़ा ही निकल जाता है जैसे ये डंडियाँ वगैरह जो होती है ना वो ही निकल जाती है और जो बचता है उसमें से और भी पक्के फिर कम हो जाता है तो जी भाई खाना भी मुझे साग ही है और साग काटते काटते मैंने साग की खूब सारी बुराइयाँ कर दी हैं और पालक हो गया साफ़ अब बस मैं जाऊंगी किचन में और साथ के साथ धो लूंगी अपने दोपहर के जो भी छोटे मोटे बर्तन पड़े हैं वो और मयंक आ गया है ट्यूशन से देखिए अभी अभी आया है ये और आते के साथ इसको पता है कि कल मैथ्स का पेपर है तो ट्यूशन में भी इतना टाइम ये पढ़ नहीं पाया है ना तो फिर आते के साथ ही मैंने इसको बोल दिया था कि चुपचाप अपनी बुक नोटबुक लेकिन ना बैठ जाए पढ़ने के लिए क्योंकि कल मैथ्स का पेपर है और इसको मैथ्स जो है ना वो मतलब कर तो ये लेता है लेकिन इसको पसंद ही नहीं है मैथ्स बिल्कुल भी पढ़ना तो चलिए ये तो आके बैठ गया था अपने पढ़ाई करने के लिए और मैं आ गई थी किचन में मैंने भी पालक को साफ करने के बाद ना अच्छे से धो लिया था और फिर चलो एक साइड मैंने पालक को धो के उबलने के लिए चढ़ा दिया और पालक को मैंने उबलने के लिए चढ़ाया था लोहे की कढ़ाई में क्योंकि मैंने सुना था कि जब पालक या साग वगैरह हम लोहे की कढ़ाई वगैरह में बॉईल करने के लिए डालते हैं ना तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है तो मैंने सोचा चलो आज ऐसे कर लेती हूँ लोहे की कढ़ाई वैसे मेरी साफ़ ही थी लेकिन ये होता है ना रखे रखे वो काली काली सी पड़ जाती है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आ, मैं भी लोहे की कढ़ाई में डाल के देखती हूँ क्या पता बिल्कुल सफ़ेद हो जाए अच्छी साफ़ हो जाए अच्छी लगती है फिर उसके बाद तो इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई में ही पालक को अच्छे से धो के कट करके फिर डाला था ना तो मतलब कढ़ाई तो बिल्कुल ऐसे चमक गई थी और फिर जो उसमें पानी बचा था ना पालक का उसके साथ मैंने उसको अच्छे से धो लिया था उसी पानी के साथ मैंने धो लिया था जितना पानी मुझे चाहिए था उतना तो मैंने रख लिया और कढ़ाई को तो मैंने बिल्कुल चमका दिया था बाहर से थोड़ी काली काली सी रह रही थी लेकिन अंदर से तो बिल्कुल ऐसे हो गई थी बिल्कुल साफ़ ने पालक को मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ाया था इतने मैंने तैयार कर लिया था मसाला मतलब जो भी मुझे टमाटर प्याज वगैरह डालने थे ना वो ही मैंने कट कर लिए थे एक साइड और और ये देखिए जरा पालक कितना बचा है ये जो चॉप मतलब चॉपर है ना मेरा ये पूरा भरा भी नहीं था और मैंने सोचा कि क्यों मैं मिक्सी में डालूं आ, इसको मिक्सी में डाल के ज़्यादा ही मतलब वो आ, बिल्कुल बारीक हो जाता है ना तो ये जो चॉपड़ है ना इसमें इतना अच्छा हो गया था इसमें मैंने पीस लिया था इसको देखिए एक कटोरी भी नहीं लग रही है मेरे को तो ये और छोटी छोटी दो कटोरियाँ बनी थी बस तो इसमें पनीर वगैरह जब मैंने डाला था ना तो थोड़ा बड़ा था थोड़ा सा मैंने बस पालक वाला पानी डाल दिया था तो इतना कम हो गया था ये उबलने के बाद और ये आती है अब कढ़ाई को धोने की बारी तो ये देखिए कढ़ाई जहाँ तक पालक था ना वहाँ तक तो, तो बिल्कुल चमक गई है और ऊपर उप थोड़ी तो काली काली सीतना तो उसको भी मैंने इसी पालक वाली पानी के साथ ना अच्छे से ये जो हमारा स्टील बुल होता है ना इसके साथ अच्छे से साफ़ कर लिया था और बिल्कुल बताओ ऐसी हो गई थी देखिए तो इसको धोते के साथ ही फिर मैंने गैस पे रख दिया था कि चलो इसका पानी जो है ना वो सूख जाएगा कपड़े से मैंने पहुँच लिया और ये देखिए कितनी चमक रही है तो वही ये वाला काम करने के बाद फिर मैंने पालक को लगा लिया था तड़का और यहाँ पे क्या हुआ है ना बस ये वाली जो छोटी सी वीडियो है ना यही मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बाकी की जो आ, मैंने पालक बनाने की जो मेरे से वीडियो थी ना वो हो गई है गलती से डिलीट और तो चलिए कोई बात नहीं फिर पहले भी मैं आपके साथ पालक पनीर की जो रेसिपी है ना वो काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ जो अब मैं आपसे मिली डिनर करने के बाद ही और ये काम है डिनर करने के बाद के मेरे जो भी ये किचन वगैरह मैंने साफ़ कर ली है और किचन में ना जैसे साफ सफाई जब मैं करने लगती हूँ ना तो सोचती हूँ कि अच्छे से ही एक बार ना ये जो टाइल्स वगैरह इनको भी साफ़ कर दूँ और गैस को भी ना मतलब एक दो तो दिन के बाद मैं अच्छे से मांझ के फिर इसको साफ़ कर लेती हूँ तो बस वही वाला काम मैंने यहाँ पे कर लिया था पहले सारा किचन की सफाई कर ली और फिर उसके बाद मैंने धोए थे बर्तन और उसके बाद कर ली थी छोटे मोटे अपने जो भी घर के काम थे जैसे इधर उधर कपड़े वगैरह पड़े होते हैं ना जैसे रात को मैं सोने से पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग करती हूँ ना वही मैंने कर ली थी और चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं अपने इस वाली वीडियो का भी एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं आपसे मिलती अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर